जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन आईनी तो जमूरी हक फराम करें मरकजी सरकार जिम्मेदारी अमन दाव सही साबित करने बाबत कदम तुलन जरूरी मोहम्मद यूसुफ तारिगानी। जिले डोड़ा के लोगों तरफ इंतजामिया अपील जिले में पासपोर्ट ऑफिस कायम करने लोगों मांग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोशिर खबरनामा हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी चु कलगामिस मंज जराई इब्लाग सत कत करान वोनमुत जम्मू कशीर हिंदन लूकन गैसे जमूरी हकूक फराम करने हवाल संजीद कदम तुलने यिन युद्ध जन अमन कायम करने दाव सही साबित सपदन। सिर्फ यही है कि G20 हुआ तो बहुत अच्छी खबर है ये, लेकिन इसके साथ ही जो सरकार चर्चा कर रही है कि तो हमारा मुतालबा यही है कि अगर अमन है तो लाजमी तौर पर यहाँ के लोगों को राहत मिलनी चाहिए, यहाँ के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको रिस्टोर किया जाना चाहिए, ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं मुख्तलिफ जेलों में उनका आज से जायज़ा लिया जाना चाहिए ताकि उनका उनके राही का रास्ता हमवार हो, और इसी तरीके से अगर वाकई अमन अमान कायम हुआ है जो रेस्ट्रिक्शंस हैं अखबारों पर, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं एसोसिएशंस पर, उनकी ज़रूरत क्या है, ये हमारा सवाल है सरकार से। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा जहाँ तक जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, डेवलपमेंट के ये मानी नहीं है कि हम सिर्फ चर्चा करें अखबारों में, डेवलपमेंट जमीन की सतह पर भी नजर आनी चाहिए। उधमपुर इंतजामिया तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत या दौरान जिला तरकियती कमिश्नर उधमपुर वोन यदव उधमपुर में तेंदवा बस्ती में दाखिल सपदन सूकन मज खौफ दहशत वुन तत पुलिस बाबत प इजाजत दिन आमुत बस्ती में जंगली जानवर सज मौजूदगी हिंस खबर इन सी ग मारने बापत कदम तुलने यिन। हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि उधमपुर ज़िले में पिछले कुछ दिनों में दो इंसिडेंट्स हुए जहां पे लेपर्ड ने छोटे बच्चों को अटैक किया, तो उसके रिगार्डिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ मेजर्स लिए गए थे जिसमें केजेस लगाई गई और ट्रैंकुलाइजर्स का अरेंजमेंट्स किया गया, मगर फिर भी एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें लेपर्ड ने छोटी बच्ची को अटैक किया था, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से ऑर्डर आया है जिसमें शूटेड साइट की परमिशन दे दी गई है, और ये जो लेपर्ड है वो उसको शूटेड साइट किया जाएगा। पुलिस की तरफ से सारी असिस्टेंस दी जा रही है और लोगों से हमारी ये अपील है कि ऐसा कोई भी उन्हें लेपर्ड साइटिंग होती है या उनको कुछ मार्क्स दिखते हैं तो वो इमीजिएटली डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, डिस्ट्रिक्ट के ईओसी नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और शाम के वक्त जब ये दोनों इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसमें आप घर में अगर छोटे बच्चे हैं या आपके घर में पेट्स हैं, डॉग्स हैं, तो उनको उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा नहीं हो, और ऐसा कुछ भी उन्हें लगता है तो वो इमीजिएटली हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारी टीम्स इसमें एडिक्वेटली डिप्लॉयड हैं और इसमें हम ऐसा यही कोशिश रहेगी कि ऐसा इंसिडेंट कभी दोबारा रिपीट नहीं हो। रानीपुर शांगस अनंत नाग में आज महकमे उमूर सार्फिन तरफ जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ महकम के जिम्मेदारों अवमी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों शिरकत कर अत मौक पे जिम्मेदारों तरफ लूकन महकम तरफ मुतारिफ करना आम कईहन स्कीमन हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दूर दराज इलाकन में इथन जानकारी कैंपन हुंद सांझ करने इवान युद्ध जन आम लूक मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हुंद फायद आसानी सान तुलित हेकन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इथन प्रोग्राम हुंद सांझ रोज ब्रोह कुन ते जारी। आज का प्रोग्राम जो हमने बड़े आलीशान तरीके से रोनीपोरा की इस खास बस्ती में मुनक्कद किया है, इस प्रोग्राम के हवाले से मैंने लोगों को एक अवेयरनेस कैंप
के जरिए लोगों को उजागर किया है कि गवर्नमेंट के जो अवेयर्ड जो उनकी सब्सिडाइज स्कीम्स है जो गवर्नमेंट उनको फराहम करता है उनका फ़ायदा उनका हो, और सब तरीकों का जो किसी की ग्रीवियंस है वो हमने ऑन स्पॉट एड्रेस की है, और बाकी जिसका जिसका भी जो मतलब मकसद है हमने उसका सुना है, भरपूर तरीके से सुना है, कोशिश की कि ऑन स्पॉट इसका अजाला हो। क्या आप मानना जो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर डी सी साहब के कहने पर हमने कर लिए हैं, ऐसे प्रोग्राम हर जगह पर मुनक़द हो जानी चाहिए ताकि गरीब लोग वो समझ सकें कि उनको किन स्कीमों का फायदा उठाना है और कैसे उठाना है। जंगलीपुर कपवरिस में आज महकमे जंगलात तरफ यादगारी तकरीब सज कर आमुत यथ महकम के जिम्मेदारों तो अहलकारों शिरकत कर अत मौक पे ये जिलस में जंगलन हिफाजत यकीनी बनानस दौरान पन जू छप कर वाले महकम कन अहलकार जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश कर आव तच जिम्मेदारों तो अहलकारों तरफ अजम दोहरा आमुत जंगलन हिफाजत यकीनी बनानस मज कर तम चुकसान पन फरज अदा। माँ से छीने गए कितने नूरे नजर, तो एक्चुअली ये 1730 की बात है कि महाराजा अभी सिंह ने एक जगह पर जंगल में क्लियर फेलिंग का ऑर्डर दे दिया, तो वहाँ पर हम उसको खराज इकीदत पेश करते हैं और सल्यूट टू दैट लेडी अमृता देवी जिसने जान पिछानी से अपने आप को पेश किया और इस सबस होनी को बचाने में अपना अहम रोल किया। हमारे उस वक्त 160 जवान शहीद हो गए फॉरेस्ट के, और सिविलियंस भी उसमें कुछ आ गए, लेकिन जंगल को काटने नहीं दिया। उसके साथ साथ यहाँ पर 11 सितंबर जो हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हमारे मोहम्मद अशरफ मीर साहब जो यहाँ पर डी एफ ओ कामराज भी रहे हैं, डी एफ ओ कैमिल भी रहे हैं, एस एफ सी जांगली में भी रहे हैं, जाम शहादत नोश किया 90 की बात है, 1990 की बात, उसके बाद सैफ अली खान साहब रेंज ऑफिसर वेटरन रेंज ऑफिसर ऑफ द टाइम, और उसके साथ में हमारे सोनावाला शाह साहब जो फॉरेस्टर थे उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, बहुत सारे स्मगलर्स अटैक में मर गए जो, और मिलिटेंसी अटैक में मर गए, तो उनकी याद में आज ये 11 सितंबर तमाम कंट्री में हम मना रहे हैं शहीदी दिवस मार्टियर्स डे। फॉरेस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने आज यहाँ पर जांगली कुपवाड़ा में हर जगह ये तकरीब मनाई गई, उन शहीदों को श्रद्धांजलि खराज अकीदत हम पेश कर रहे हैं जिन्होंने इस ग्रीन गोल्ड को बचाने में, ये देख रहे हैं आप ग्रीन गोल्ड को बचाने में अपना अहम रोल अदा किया। यपर राजवार हंदवरस मज आज महकमे जंगलात तरफ यादगारी तकरीब सज कर आमुत यथ महकम के जिम्मेदारों तो अहलकारों शिरकत कर अत मौक पे ये जिलस में जंगलन हिफाजत करनेस दौरान पन जू छप कर वाले महकम कन अहलकार जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश कर आव तच जिम्मेदारों तरफ वन आमुत तिहुंद मिशन ब्रो पकनानस हवाल यन संजीद कदम तुलने युद्ध जन न सिर्फ तिमन खराज पेश कर बल्कि जंगलन हिफाजत यकीनी बनानस मज आसानी सपद असम्बली में इसको पास किया गया, तो उसके बाद 2012 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ये बात सही है कि पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे यूटी और इस हमारे इस रेंज राजवा रेंज में भी मार्टिस डे आज मनाया गया है। जनरल असम्बली ने इसको 2012 में इसको मंजूरी दी थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको 2013 में भी मंजूरी दी थी कि हर साल 11 सितंबर को यूमी मार्टिस डे मनाया जाएगा। तो इस हवाले से हमने अपने हर एक ब्लॉक में इनके नाम पे पौधे लगाए और दुआए मजलिस की है, तो उम्मीद है कि, और साथ ही ये हमने अहदा किया है कि आज के दिन पे जितने भी मार्टिस है तो उनके लिए हम यही दुआ करेंगे, और उनके जो लवाकिन हैं उनके साथ हमारा रबता रहेगा, सोशली इकोनॉमिकली हर एक सूरत में उनका हम साथ देते रहेंगे, ताकि उन्होंने इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए अपने जानों का नजराना किया। हमारे इस यूटी में आज तक करीबन 85 ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ने अपने जाने नशावर की है, तो हम ये ज़रूरी कहना चाहते हैं कि हमारे जो हालात आज के हैं तो हमने बहुत हद तक जंगलों को बचाने का रोल किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स ऐसे दिए हैं, अब ये इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में हमारे रहने के लिए एकोमोडेशन नहीं हुआ करती थी, मोबाइल का नेटवर्क नहीं हुआ करता, अब वो सहूलियत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उस चीज़ का हमें अब फ़ायदा मिल रहा है। ये बात सही है कि वही उनका हम जो नक्शे कदम है हमारे शहीदों का, तो उन्हीं नक्शे कदमों पर हम चल रहे हैं, तो इसी वजह से जो मार्टिस डे 11 सितंबर
अक्टूबर को मनाया जाता है तो इसी के बिना पे है, तो वो ये नक्शी कदम हमारा है। सहीबुक बड़गाम के लोगों तरफ ये शिकायत बवान वन आवजी यदव कैया वरी ब्रो इलाक में पी एच सी सेंटर कायम कर आम ताहम अमच अपग्रेडेशन तो मकबूल बुनियादी सहूलियत आयतन थवन सवाल कह कदम तुलने आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत हेल्थ सेंटरस में अमल तैनात कर तो बुनियादी सहूलियत आयतन थवन सवाल यन संजीद कदम तुलने युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। जहाँ तक ये हमारा पीएससी का ताल्लुक है उसको एटलीस्ट 60 ईयर्स हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं बनाए हुए हैं, और तब से आज तक अभी ये पीएससी है और वो भी ओल्ड टाइप का है। इसके साथ साथ यहाँ हमने बहुत कोशिश की कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए, उसकी फाइल भी ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। अगर हम बात करेंगे उस वक्त की, आज से 60 साल की पहले की बात करेंगे, तो मागाम और बाकी इलाके जो था वो इस पीएससी के अंडर काम करते थे। आजकल आप देखते हैं मागाम में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है और हमारे बड़गाम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये कॉमन सेंस से 7-8 किलोमीटर यहाँ से ये बड़गाम से दूर है और यहाँ अभी पीएससी है वो भी ओल्ड टाइप की है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ उसमें डीपीआर बनाया तो वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग नई बन गई है। तो जहाँ तक स्टाफ का ताल्लुक है, यहाँ से मैं हकीकत कहूँगा वो ये है कि इसमें स्टाफ स्ट्रेंथ जो है, सेंक्शनड पोस्ट जो है, दैट आर ऑन द ओल्ड बेसिस पर है। आजकल आप देखते हैं न्यू टाइप यही पीएससी बनती है, वहाँ स्टाफ होते हैं 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें अपनी स्टाफ स्ट्रेंथ नहीं है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ ज़्यादा इंटरनल एडजस्टमेंट करके भी मांगा से बुलाते हैं, कभी उसको एडिशनल देते हैं, यहाँ किसी का तनख्वाह उधर निकलता है और काम यहाँ करता है। यहाँ एज अगर प्रेजेंट की पॉपुलेशन की बात करें, कोई 80,000 की पॉपुलेशन है इस इलाके में जो इसमें इन्वॉल्व है। बहुत बड़ा इलाका ये है और यहाँ से श्रीनगर भी दूर है, बड़गाम भी दूर है, मागाम भी दूर है। ये सेंट्रली लोकेटेड पुलिस है 80,000 लोगों का, लेकिन है तो पुराना ही है स्टाफ, जो स्ट्रेंथ है वो पुराना ही है। तो जहाँ तक हम स्टाफ की बात करेंगे वो बहुत ही कम है यहाँ, जो लोग आमतौर पर हम भी फील ये करते हैं कि अक्सर क्या होता है जब हम यहाँ आते हैं डॉक्टर नहीं होता है, क्योंकि दो डॉक्टर यहाँ कोई सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं, नर्स एक ही है, और क्या नाम है जेंट्स उसमें 2 हैं, गैनी एक है, एक्सरे टेक्शनर होना चाहिए या CR सिस्टम भी यहाँ होना चाहिए, वो नहीं है। जहाँ इसे पता चलता है कि ये वो PIC नहीं है जो होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो है, उनको भी प्रॉब्लम है, जो यहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ हमारी BMO मैडम है बहुत अच्छी है, मैं सिंसियरली कहता हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन अब वही उसको आमतौर पर चलाती है इंटरनल एडजस्टमेंट के लिए, वो तो चलाती है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम हमारे में इसमें है। जो स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। स्कूल JVC का उन्होंने एक अच्छा सिस्टम बनाया था, उन्होंने एक गायनी और एक ऑर्थो यहाँ भेजे थे डॉक्टर, हफ्ते में एक दफ़ा दो बार आते थे वो, तो यहाँ लोगों ने फील अच्छा किया। लेकिन बदकिस्मती से वो स्टाफ भी अब पता नहीं कहाँ किया पिछले। नाजरीन कौशर खबरनाम जारी है, तनिमो तजारती वक्फ़।